अब खबरें विस्तार से। थानाबाहा के गांव आमकापुरा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पूर्व प्रधान के बड़े भाइयों पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। दबंग दोनों को मरणासन हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताजनगरी में दबंगों की दबंगई इस कदर हावी है कि दबंग आए दिन किसी न किसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला थानाबाहा क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान के दोनों बड़े भाई दावत खाकर लौट रहे थे। दबंग ने दोनों भाइयों को रास्ते में ही घेर लिया। लाठी डंडों और धारदार हथियार से दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंग दोनों को लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों घायल भाइयों को अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीनवा सलोप रमेश और पुष्पेंद्र सलोप प्रेमपाल और बाकना का ब्रजपाल उर्फ बंटू ये सब प्रेमपाल की लड़की है दो, और दोनों भाई वो खड़े थे प्रेमपाल और रमेश पाल। इन्होंने कह दिखा था कि साले अब आज ये जिंदा नहीं निकल जाए, तो हमेशा इतना दूर से इन्होंने मुझे धारदार हथियार से मारा और लाठी थी उनके पास बल्लम वगैरह सभी हथियार थे। बहुत जोर से पूरे दो हाथ पैर सब टूट गए, हमारा मोबाइल ले गए और कुछ जेब में पैसे भी थे वो भी ले गए। क्या इन लोगों से कोई पहले से भी झगड़ा है? पहले से भी झगड़ा चल रहा था, कई सालों से पिताजी से लेकर चल रहा था, पहले से चल रहा था, लेकिन उन्होंने आज इन्होंने हमको बहुत बुरी तरह मारा है। आज दो साल से तो कोई रट्टा नहीं था, दो साल पहले हुआ था, लेकिन अब तो कोई रट्टा नहीं था। अब तो जो भी मुकदमे थे विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहे हैं, और साहब इन्होंने आज हमें बहुत बुरी तरह मारा है।